ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, वहाँ तक जाना है। ओहो यहाँ तो बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। पहली बार कोई बंदा इस रूट पर हिस्ट्री के अंदर बाइक लेके आया होगा। यहाँ तक ही चली जाएगी, आगे तक जाएगी बाइक। ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि बाइक स्लिप नहीं मारे। तो गाइस स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और गाइस यहाँ अभी हम हैं चा विलेज में, और यहाँ से हम जाएंगे फुकताल गुम्पा की ओर। गाइस फुकताल गुम्पा जाने के लिए दो रूट है चा विलेज से स्पेशली। एक तो हमें जाना है पुणे, और पुणे से हमें लेना हुआ लेफ्ट, और उस रूट पर कुछ किलोमीटर तक बाइक ले जानी है, और फिर वहाँ से करनी होगी 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्रैक। और सेकंड जो है चा विलेज से हमें जाना होगा टॉप में, और टॉप में हम बाइक रखेंगे और वहाँ से अलग ही रूट लेंगे जो कि शॉर्टकट है, जो यूजुअली नॉर्मली नहीं लेते हैं लोग। तो और बने रहना इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि पूरी दुनिया से कट ऑफ है। बिल्कुल रिमोट एरिया है फुकताल गुम्पा का, और बिल्कुल ही अलग ही जगह है, अलग ही डेस्टिनेशन है। सुकून मिलेगा आपको वहाँ देखकर। किधर से जाना दावा? वहाँ से ऊपर वो गाड़ी आ रही उधर से, वहाँ से जाना, ऊपर जाना, रोक देनी गाड़ी। ठीक है, ये है रोड चाविले से बाहर निकलने का। चढ़ गई, चढ़ गई। हाय शाबा, हाय शाबा, ऊपर चढ़ाना है। वहाँ टॉप तो जाएंगे, उधर टॉप पे कह रहे हैं बाइक रखने के लिए शॉर्टकट जाने का ये वाला रोड। अगर आप सीधे जा रहे हैं इस साइड में तो पुणे चले जाएंगे, और ये रोड हमें लेना है। बिल्कुल नेरो रोड है, तो यहाँ से अगर हम ट्रैक करते हैं, जहाँ से करते हैं ट्रैक, मान लीजिए वो उधर पुणे, वो पुणे, वो डाउन में पुणे है वहाँ, और वहाँ से वो जो रूट जा रहा है वो एक्चुअल रूट है फुकताल गुम्पा का। हम शॉर्टकट ले रहे हैं, चा विलेज हम नाइट होल्ड कर रहा था इसलिए हम यहाँ रुके हैं। भाई चले, कहाँ रखें? बिल्कुल अलग ही जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल अलग साइड से जा रहा हूँ। ओके यहाँ से आगे बाइक आई थिंक चली तो जाएगी यार, कोशिश करेंगे तो वहाँ तक। ये देखिए पहली बार कोई बंदा इस रूट पर हिस्ट्री के अंदर बाइक लेके आया होगा। ये ट्रैक रूट है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक जाए बाइक वहाँ तक चली जाए। आगे देखते हैं कैसे होने वाला है। ओके यहाँ तक ही चली जाएगी, आगे तक जाएगी बाइक। ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि बाइक स्लिप नहीं मारे। मेरी लाइट वेट बाइक इसलिए मैंने ट्राई करा यहाँ आने का, बाकी आप अगर आप नॉन है तो आपको यहाँ नहीं आना है इस रूट पर बाइक लेके, ध्यान रखिए डेंजरस है। ये देखिए आप डेंजरस है, पूरा रूट डेंजरस है। अब यहाँ तक से तो आगे नहीं जाना वाली, हाँ यहाँ से आगे नहीं, भाई मरना क्या। और यहाँ तक बाइक लेके आए हैं, अब यहाँ से ट्रेक करनी है बाइक। आगे अकेला मैं हूँ तो जा सकता हूँ, पर लेकिन खतरनाक है, डेंजरस है नहीं भाई, बहुत डेंजरस है वो तो भाई। ट्रेक करेंगे चलो। तो बस बाइक अभी पीछे रख दी है, और ये है ट्रैक रूट फुकताल गुम्पा का। हमने शॉर्टकट लिया है अपसाइड वाला, और नीचे मेन जो रूट है वो है पुणे वाला। कुछ इस तरीके से ट्रैक है यहाँ की फुकताल गुम्पा की। ये देखिए फुकताल गुम्पा, एक घंटा लगेगा। ओके वो पास था रोड की, ये सही है, इस तरह ये सही है। चलो हाँ भाई क्या सीन? सीन यही है, एक घंटा वो ज्यादा रिस्क ले रहा है यार। शबा चलो चलो आगे, चलो आगे, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। सुबह
गाइस दिस इज द व्यू ऑफ जिसार रिवर। चल तो गाइस यहाँ पहुँच चुके हैं और सामने है ये पुलिया लकड़ी का और उस साइड में फुकताल पंप है। तो गाइस हमने चा से फुकताल मनीष वाला रूट लिया था, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप ये रूट नहीं लें क्योंकि ये हाई माउंटेन से आ रहा है उस साइड से और जो दूसरा रूट है पुणे वाला वो उधर से आ रहा है, तो वो बहुत ईजी दिख रहा है मुझे, मैं जो ऊपर से देख रहा हूँ, और साथ ही साथ वहाँ पर बाइक काफ़ी हद तक आ सकती है आगे। अगर आप बाइक लेकर आना चाह रहे हैं तो काफ़ी हद तक आ सकती है। आपके पास फोर व्हीलर है तो पीछे एक डेढ़ किलोमीटर पीछे आपको रुकना पड़ेगा, 2 किलोमीटर पीछे आपको रुकना पड़ेगा। इस रूट पर हम कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर ट्रैक कर चुके हैं और ऑलरेडी 1 किलोमीटर ट्रैक के अभी बाकी है। तो फिलहाल नज़ारा कुछ इस तरीके का है, मज़ा आ गया, फन आ गया और बहुत शानदार, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और भाई हमारे उधर से शॉर्टकट मार रहे हैं लकड़ी की पुली की तरफ, तो आगे चलते हैं डायरेक्ट फुकताल गुम्पा की ओर। तो भाई चलते हैं ब्रिज पर। बिस्मिल्लाह, ये देखिए ऐसा है कुछ। ओ वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ध्यान देना होगा, हिल रहा है देखिए आप, ब्रिज पूरा हिल रहा है कुछ इस तरीके का नज़ारा, ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो मतलब हमें तार पे ही पैर रखना है, ओके ये तार पे पैर रखना है। तो भाई अब नदी के ऊपर जा रहे हैं, समझ लो पूरी लकड़ियाँ हैं और बीच में एक तार है उस पर ठहरी हुई लकड़ियाँ, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फिर यहाँ डबल हो गई है, हाँ भाई भाई भाई, ओके टू डेंजरस, एक्चुअली इट्स रिस्की एंड डेंजरस भाई, देखना पड़ेगा। मतलब देख लीजिए आप, वहाँ तक जाना है, ओहो यहाँ तो बहुत खतरनाक आ गया, बहुत ज़्यादा तार पे ही पे रखना है। यहाँ बहुत डेंजरस है भाई, ध्यान से हिल रहा है, ओके फुल एडवेंचर, फुल फुल ऑन एडवेंचर गाइस, बंदो मज़ा आ गया और एडवेंचर। और देखिए फुकताल गुम्पा का फुकताल गुम्पा के एंट्री गेट पर, चाहे आप फुकथार मोनेस्ट्री कहे या फुकताल मोनेस्ट्री करें कहे दोनों सेम है। तो एक सिनेमेटिक व्यूज बताता हूँ मैं आपको फुकताल मोनेस्ट्री का, चलिए। तो गाइस बिल्कुल पास आ चुके हैं फुकताल मोनेस्ट्री से और देखिए वो है पीछे का नज़ारा, बहुत ही वो फीलिंग तो बता नहीं सकता भाई, 3 से 4 किलोमीटर ट्रैक करके आया है चाविलिस से,
यहाँ तक। लेडीज है अगर आपके साथ तो अवॉइड करें इस ट्रैक को, टफ रहेगा, थोड़ा सा टफ रहेगा। लेडीज हैं, बच्चे हैं, थोड़ा सा टफ रहेगा उनके लिए। तो गाइस ये है एंट्री गेट उखताल का, मतलब मेन मॉनेस्ट्री के अंदर जाने के लिए। ये देखिए ऊपर से और नज़ारा कुछ है यहाँ से। तो गाइस ये है एंट्रेंस इस तरीके से। तो इधर से गाइस हम आए हैं और इस तरीके से नज़ारा है अंदर का उखताल मॉनेस्ट्री का। कितना साल पुराना है? हाँ? कितना टाइम पुराना मॉनेस्ट्री है ये? ये बोलते में क्या है, तीन किस्म, एक बोलता है भूत भगवान जी की साथ। ओके, 500-700 साल पुराना है? एक बिच्छू है बड़ा। ओके, बिच्छू है बड़ा। ओके, बिच्छू है मतलब ये पूरा मॉनेस्ट्री है, ये पूरा मॉनेस्ट्री का एरिया। कितना पुराना है ये कुछ पूछना चाह रहा हूँ, कितना पुराना है ये? 200 साल पुराना है। 2000 साल पुराना मॉनेस्ट्री। वो बोलता है बाबा दिलन जांबो। ओके, उसके बाद रिंजन जांबो, उसके बाद त्रिरिक्षी, उसके बाद जंगसम शेरल जांबो। तो आगे इधर रुका था 600 साल हो गया। 600 साल कौन है यहाँ का मेन धर्मा जी? उधर है, उधर है अभी हमाल रहे। क्या नाम उनका जो मेन यहाँ का? धर्माचारी है। धर्माचारी, ठीक है। ऊपर हम एक बार देख लेते हैं ना सीढ़ी चढ़ के, ठीक है। तो गाइस ये है टेंपल का एरिया और यहाँ से बहुत ही ऑफ बीट, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड एरिया है ये जगह है। तो यहाँ से ऊपर जाना होगा हमें, यहाँ से ऊपर टेंपल की ओर। यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरीके से देख लीजिए गाइस। किधर से टेंपल? बोलना पड़ेगा। हाँ वहाँ वेट, इधर से यहाँ से ऊपर जाना होगा, अभी लॉक लगा हुआ है। तो गाइस ये है उखताल मॉनेस्ट्री का एरिया। टेंपल में हो सकता है हम जा सके या नहीं जा सके, लेकिन पूरा मैंने एक्सप्लोर आपको कराया है तरीके से। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत करी, बहुत टफ है ये ट्रैक जो थी, बहुत टफ थी गाइस। तो अब हम चलेंगे अपने चा विलेज होम स्टे की ओर। ओके, बाय 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 बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस तरीके का है गुंबा, ये देखिए, ये ऐसा पूरा ऐसा कैसा ये, और यहाँ ऐसा है कुछ, उधर से ऐसा है। तो लगभग अनएक्सप्लोर्ड है, एक बार अपनी लाइफ में जरूर आना जो भी आना चाह रहा है।